हमारे घर बना पुलाव। हाँ जी। काफी दिनों के बाद, वो भी देसी मुर्गे का। हाँ। वाह। किचन की सफाई का काम शुरू हो गया जी। बंदा एक हायर कर लिया हमने, और ये यहाँ से जो पक्की मिट्टी है ना, इसको उठा के हमने टावर में फेंकना है। वहाँ पे हमने बनाने हैं अपने जू के कमरे, छोटे छोटे ना, जो केज होने हैं वो बनने हैं इसी मिट्टी से। और हमारा जो है ना, ये अभी इसकी सफाई सफाई करनी, खुश्क हो गया, इसके ऊपर सिर्फ अब पोचा मारना है। मतलब एक मिट्टी वाला पोचा होता है, वो मारते हैं। बाकी काफ़ी सारे आप लोग ये कह रहे थे कि इसके ऊपर ये वाली जो शीट है ना, आप इसके ऊपर डाल दें ताकि बारिश ना आए। उसका सीन ये है, वैसे आइडिया तो अच्छा है कि मतलब इसके ऊपर हम डाल दें और इससे बारिश, ये वाटरप्रूफ है तो बारिश हमारी ऊपर से नीचे नहीं आएगी। लेकिन इसका एक जो बैड है ना साइड, वो ये है कि इसकी वजह से ना हवा रुक जाती है। जब हवा चलती है तो हवा रुकेगी, प्रेशर पड़ेगा तो हमारा स्ट्रक्चर सारा इतना मजबूत नहीं है कि मतलब उस प्रेशर को शायद सह पाए। मैं ये कहता हूँ कि ये कहीं सारा उड़ के ना चला जाए, टूट ना जाए। टूटता नहीं, मजबूत काफ़ी है, लेकिन फिर भी मुझे एक डाउट है उस प्रेशर। अभी चूंकि खाली है, हवा हमारी क्रॉस हो जाती है, इधर से चले तो इधर क्रॉस हो जाती है, इधर चले तो इधर क्रॉस हो जाती है। उससे ये होता है कि आंधी, बारिश तो कभी कभी होती है, आंधी आती है ना, तो आंधी अक्सर आती है गर्मियों में, चलो आंधी हमारी क्रॉस होती रहेगी, ये बचत है। इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं डाल रहा ऊपर, लेकिन फिर भी आप लोग कहते तो कि एक तजर्बा हम इसका कर लेंगे। लेकिन ऐसे है कि ये छांव भी है, और हमारा ये सीन है कि इससे हमें हवा का प्रेशर भी नहीं पड़ रहा ना। वो लड़का लेके जा रहा है मिट्टी, तो जी हमारी लड़ी इधर से आ गई है, ये यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहीं पे, बस शाबाश। आ गई ना समझ, उन्हें थाएं सारी आके इकट्ठी कर दे। मिट्टी हमने सारी उठा ली है यहाँ से, और अब उस टुए को फिल कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मिट्टी पड़ी है, रोल रोल के इसको लेवल करते हैं सारा एक कुजिया बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं आप लोगों को किचन का भी विजिट कराते हैं और दिखाते हैं उसका काम कहाँ तक पहुँचा है, बल्कि फाइनल काम। हाँ जी, फाइनल मिट्टी का फाइनल है, लेकिन अभी दूसरे वाले रंग रोगन रहते हैं। हाँ जी, वो सजाना संवारना रहता है, वो भी करते रहेंगे और साथ आप लोगों को विजिट भी करवाते हैं। तो चलिए आए, चलते हैं। अभी जनाब जी, मिट्टी जो है ना, जिससे पॉलिश करना है ना, उस मिट्टी को कूट रहे हैं। ये पक्की पत्थर भी है अंदर, ये सामने देख पड़े, अगला अगला पत्थर है, ये वाला, ये पत्थर है। अच्छा। वो तो जब कूटता ना तब पता लग जाना। अच्छी तरह बारीक कर दो इसमें। मिट्टी यहाँ पे कूटी जा रही है, और हम आपको दिखाएंगे फाइनल लोकेशन। अभी आपको नजर आ रहा है ये ऐसा, मतलब ये ऐसा सूख सूख गया, लेकिन जो अभी पॉलिश होगा ना, उसके बाद आपने देखना ये बिल्कुल सारा ही तकरीबन एक जैसा हो जाएगा। तो बस ये मिट्टी कूट के ना लगाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी ना यहाँ पे भी लगानी है। ये ना फुट गया बिल्कुल ना, चीर चीर हो गया ना, अलग अलग हो गया। तो बहरहाल ये आप देखेंगे ना थोड़ी देर के बाद, जस्ट ये चंद सेकंड के बाद आपको नजर आएगा एक वीआईपी किस्म का पॉलिश शुदा, जैसे फर्नीचर को पॉलिश करते हैं ना, ऐसे ही ये हमारा जो किचन है ना पॉलिश होगा। ये वाली मिट्टी तैयार हुई है जी। ये मिट्टी मतलब जैसे पेंट होता है, ये मिट्टी का पेंट है। इसको हमने तैयार कर लिया, और अब इस पेंट को हम इधर अप्लाई करेंगे ये वाइट क्यों जी? हाँ, सही तो है। उसके बाद ना ये जबरदस्त हो जाएगा। अगर इसमें कोई और मिट्टी डालनी है तो वैसे वो बाजी से पूछ लेते हैं। सही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, ये मग्गे में डाल गया पेंट, मिट्टी का पेंट। अब ये कपड़ा पड़ा जा रहा है और बेगम को दिया जा रहा है की कैसे करना है। ये असल में ये वाला काम नहीं किया, तो मैं इसलिए कब से इंतजार में थी कि मैंने ये वाला पेंट करना ही करना। हाँ। है तो अभी ये जनाब जी पेंट हो गया जी, ये अब सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे करना है। ऐसे देखा है ना, ये ऐसे चल भाई, चल काका, अब अपने कपड़ों पे ना लगा लेना, इधर से शुरू कर लो,
जहाँ से आपको आसान लगता है। हाँ हाँ ऐसे ऐसे वाह जी वाह, हो गया चल पड़ी है गवाद, अच्छी तरह दाग धब्बे छुप जाए। अच्छा जी आप देखें जी, आप है जी कारीगर का हाथ, ये देखें मैं पकड़ा छोड़ दे चल। तो ये जी आप वैसे अनकोट अनकोट होंगे तो कारीगर कारीगर ही होंगे। हाँ अब देख ले आके कैसे बनता है। हाँ देख मैंने भी ऐसी लगाई। केडी खुश है मैं कहती थी नहीं अच्छी लगी ज्यादा ना। हां हां नीचे तो मुझे ना बेगम को बड़ा शौक है मिट्टी में हाथ मारने का, भाई बड़े जोश के साथ करती हैं। मैंने कहा हेल्प हो जाएगी ना। हां हां जहाँ जहाँ पे वो है ना दराड़े है ना वहाँ पे घाटा करके लगाना। वो बंद कर दी ये वाली अभी तो नहीं बंद हुई। ये देख ये वाली इसको अच्छी तरह बंद कर। यहाँ पे मिट्टी सारी कूटती है, अब इसका हम गारा बनाएंगे जो हमारे जू के जो हमने बनाने हैं ना अंदर स्ट्रक्चर उनके काम आएगा। और यहाँ पे ईंटें साफ़ हो रही हैं, ये ईंटें अब जो है ना इस तरफ को सीमेंट लगा हुआ है तो ये ईंटें छोटा साफ करके इसको यहाँ पे रख देगा। इन ईंटों से हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म के जू का जो अंदर हमने पिंजरे बनाने, पिंजरे नहीं मतलब केज बनाने हैं, वो बड़े VIP किस्म के होंगे वो आपको फिर बाद में दिखाएँगे। ये सफाई हो जाती है ना सारी आराम से। अच्छा ये जो थी ना दीवार हमारी पक्की सीमेंट वाली इसको भी कर रहे हैं हम वैसा ही बराबर हो जाएगी एक जैसा हो जाएगा जैसे ये है। अभी देखो पीछे से कलर निकल के आ रहा है ना आस्ते आस्ता। हाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया। अब ये तो एक कोट और भी होना है उस पर बिल्कुल साफ शफाफ चमक जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से किचन बहुत प्यारा लग रहा है। अब जो इसके ऊपर वो किया है ना इसको नीट एंड क्लीन उसके बाद तो ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। अभी ये सूखेगा तो उसके बाद और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी चलते हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये क्या हो रहा है, ये नया काम हो रहा है ये भाई साहब हो रहा है। हाँ जी इसको लेवल भी तो करना है ना। बिल्कुल ये तो है। तो ये ना सारा सीधा करके ना ये ग्राउंड इसमें लगाने हैं पौधे जिनमें फ्रूट वाले भी पौधे होंगे फूलदार भी होंगे। हाँ फूलदार भी होंगे और सड़े हुए पौधे भी होंगे है ना। और हमारे अपनी भी कुछ चीजें होंगी यहाँ पे और भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा सा यहाँ पे ट्रैक भी बनाना है यहाँ आने जाने के लिए। बात है हाँ कीचड़ हो जाना है तो ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं ऐसे ये है ना दरवाजा तो यहाँ पे ट्रैक भी बनाना ऐसे यहाँ तक ये यहाँ तक ऐसे सही है। अबू थट जा ये लो। ये देखें माशाल्लाह अभी सफेद नहीं हुआ हमारा किचन अच्छी तरह। ये थोड़ी देर के बाद ना हो जाएगा सूख जाएगा फिर मैं आपको एक पिक दिखाऊंगा जबरदस्त किस्म की। बिल्कुल दुआ करना आज बारिश ना आए कल तक आपने तस्वीर लेनी है। हाँ, ये ना ये बारिश में फिर नीला पीला हुआ पड़ा हो। अच्छा जी अक्सर कह रहे थे ये छत ना गिर जाएगी, असल में ये ऐसे छोड़िए इस पर लिपाई नहीं की क्योंकि इसके आर पार से हवा गुजरेगी ना तो ये गिरेगी नहीं। ये मैंने बात बताई है पहले बताई है मैंने कहा मैं भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है नई नई तो मैं भी इजाफा कर लूं। पहले बड़े
विलियन नाल समझाया तो ये मसला है, अगर हम इसको बंद करेंगे तो हवा का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और ये छत मुदी आ जाएगी। हाँ ऐसे इतनी भी हवा है ना, ये गिरती नहीं है। सही है सही है। मैंने कहा मैं भी बता दूं, मुझे भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं भी अरस्तु बन लूं। वो ओरियो से काम करवा लो, ओरियो वेला फिरता है, अंगड़ाइयां मारता फिर रहा है। यहाँ तक कर लिया सेट ग्राउंड, ये वाला और ये वाला हिस्सा, अभी ये वाला रहता है। असल में ये कहते हैं कि वहाँ से मैं ऊंचा करूँगा, इधर से मैं नीचे कर दूंगा ताकि पानी इधर बहे बारिश वगैरह का। कोशिश तो यही है। इस तरह ये जमीन बराबर कर दी है और ये यूं करके नजर आ रही है, ये देखें। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे लगाएंगे पौधे और दरमियान में एक ट्रैक बनाना है, उसके बाद हमारा किचन फाइनल हो जाना है। जल्दी करो, कोई काम जल्दी भी कर लेते हैं। फाइनल नहीं होना, अभी वो रंग भी करना है। हाँ वो तो करना है ना, वो तो भाई पेंट का काम अभी रहता है। माशाल्लाह से आप लोगों को फाइनल लुक दे दे हम, हमारे जो किचन की है ना, ये दूसरा दिन सूख गया, बिल्कुल वाइट हो चुका है और आप लोगों को बिल्कुल वाइट ही नज़र आ रहा होगा। मुझे बड़ी उम्मीद है, कभी उम्मीद है। और चूल्हा भी हमारा वाइट, हाँ चूल्हा भी पॉलिश हो गया, पॉलिश हो गया, फिट हो गया, जबरदस्त हो गया, अब जलाने के लिए रेडी है। देखा जी यूज करने के लिए कैसा लग रहा है। हाँ जी, ये तो हुआ है कि मट्टी के काम तक का फाइनल हुआ है। हाँ हाँ, अभी जो आगे इसकी सजावट है वो रहती है। सजावट आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, और हमें बड़ी खुशी हो रही है, बहुत सारे सारे बल्कि जो देखने वाले है ना पसंद कर रहे हैं, हमारी मेहनत रहेगा नहीं। हाँ जी हाँ जी, ये है जी हमारा फाइनल, और ये है हमारा सेन, और ये है हमारी खजूर भी। हाँ ये देखें जी, अभी इस जगह को हमने फिल करना है सब एकदम जबरदस्त बनाना है। तो उसको बनाने के लिए ना फिर हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, हरियाली तो लगानी। काफी सारे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। मेहनत है ये बात है, खर्चा कम है, मेहनत ज्यादा है लेकिन खर्चा। हाँ सच, खर्चे से बात हो रही तो मैं आप लोगों को खर्चा भी बताऊंगा कि इस किचन पे बनाने पे हाँ। हमारा कुल कितना खर्चा हुआ है, वो एक नेक्स्ट वीडियो आएगी डिटेल वीडियो, उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे बनाया, कैसे कैसे खरीदा। और दूसरा ये भी दिखाना है कि कितने दिन लगे हमें बनाने में, और साथ ये भी है कि अभी लुक हमारी थोड़ी सी बनेगी ना, अभी तो लाइटिंग शाइटिंग होनी है भाई साहब, क्या चरागाह होना है हाँ। अभी तो बड़ा कोई सजना है, कलर होना है अभी साथ है, इस किचन में लाइट्स का इंतजाम होना है। हाँ, कलरफुल लाइट्स होंगी और इसमें रंगीन रंगीन आपको ये फूल शूल नजर आएंगे, बाउंड्री शूल रंगीन नजर आएगी तो ज्यादा मजेदार बनेगा। हाँ जी, अभी तो एक समझ ले कि खाली किचन है अभी ये, और तामीर किया हुआ है बस, उसकी पॉलिश की है, बाकी अभी सजावट रहती है, इंशाल्लाह ताला जब होगी तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा, बहुत ही जबरदस्त कुकिंग होगी तो और अच्छा लगेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह से आज हमारे घर बना पुलाव, काफी दिनों के बाद, वो भी देसी मुर्गे का। वाह, बच गया था मैंने उसका पुलाव बना। हमारा ना, ठीक है ना, हमारा जो एक दिन हमने सालन बनाया था उसमें से हमने कुछ बचाया था, उसमें से हमने फिर ये ना पुलाव बनाया है। तो पुलाव खाते हैं, आप लोगों को देख के कैसा लग रहा है, मुझे तो वैसे अच्छा लग रहा है, और बोटियाँ भी मज़े की लग रही हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है ना, गली गली हुई सी हैं। तो खाते हैं, आज की रात का खाना हमारा यही है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये है, मेरा ये डबल चम्मच वाला। चलो थैंक यू जी, आए जी खाते हैं और आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बाहर नहीं बैठना? नहीं अंदर बैठ, बस जी अंदर बैठते हैं, लाइट चली गई है तो पंखा हमारा यूपीएस से चल रहा है, हमारा काम अच्छा सर जाएगा। जुरेज हमसे पहले लगा हुआ है खाने में, ये लो जुरेज सलाद, दरवाजा बंद कर दो यार। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा भाई, मजे का? चलो माशाल्लाह, सूरज को पसंद आया, खैर इसी के साथ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।